शो की पांच बड़ी खबरें हैं और पांच बड़े सवाल हैं। भारतीयों को फांसी देने वाला देश कतर इतना ताकतवर क्यों है और अब पीएम मोदी क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत के जवानों को कतर में फांसी क्यों दी जा रही है? कौन जवान, जो कि पूर्व नेवी अफसर थे आठ, उन आठ अफसरों को कतर जैसे देश में फांसी क्यों दी जा रही है? कौन है ये अफसर? आखिर इन पर आरोप क्या है? दूसरा है कि मोदी पर विपक्ष क्यों हमलावर है? अब देखिए, आठ नौ सैनिकों को जो पूर्व में भारत की सेना में काम कर चुके हैं, और कोई छोटा मोटा काम नहीं, 20 सालों तक उन्होंने काम किया है, अब उनको कतर में फांसी दी जा रही है। तो इस मामले पर भारत में मोदी पर विपक्ष क्यों हमलावर है? विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि पीएम मोदी ने इस मामले में अब तक कुछ किया क्यों नहीं है और उनको वहां क्यों फांसी दी जा रही है, उनको वहां से लाया क्यों नहीं जा रहा है। तीसरा है कि हमास का साथी क्यों कतर? अब देखिए, इसको लोग इसराइल और हमास वॉर से भी जोड़ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम को, क्योंकि जो कतर है उसने ही हमास की फंडिंग की है, और इनफैक्ट जितने भी आतंकवाद के नेटवर्क्स हैं उनकी फंडिंग कतर जैसा देश ही करता है। तब इसमें अब ये कहा जा रहा है कि कहीं भारत ने इसराइल का पक्ष ले लिया है, भारत के प्रधानमंत्री ने हमास को टेररिस्ट कह दिया है, कहीं इस वजह से कतर गुस्सा हो गया हो और इसलिए उन पूर्व नौ सैनिकों के खिलाफ साजिश रच के उनको फांसी दी जा रही है। चौथा है कि कतर दुनिया के लिए जरूरी क्यों है? अब देखिए, कतर को ना आतंकवादियों का बाप कहा जाता है। जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन है, चाहे वो हमास हो, चाहे वो जितने पूरी दुनिया के अलग अलग हिजबुल्ला हो, उनकी फंडिंग कतर करता है। लेकिन ऐसा क्या है कतर में कि हर देश को कतर से अच्छे संबंध बनाने हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी बड़ा देश हो, ऐसा क्या है कतर में जो सबको अच्छे संबंध बनाने हैं? पांचवा है कि कैसे कतर के कारण बर्बाद हुई नुपुर, और याद कीजिए, कतर ने आपत्ति जताई थी, उसके बाद ही बीजेपी को नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निकालना पड़ा था। अगर कुछ लोग ये किस्सा भूल गए हैं तो आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में मैं आपको ये समझाने वाली हूँ। अब उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इन पांच अहम सवालों को आपको समझाऊं और उसका जवाब दूं, सबसे पहले आप ये नक्शा देख लीजिए। तो देखिए, इस नक्शे के हिसाब से ये यूरोप है, वो यूएस है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, और सऊदी अरेबिया के पास में जो ये इतना टापू सा दिख रहा है आपको, छोटा सा कतर है, इधर आपका इंडिया आ गया, इससे आगे जाएंगे तो ये साउथ कोरिया, जापान, नीचे की तरफ ऑस्ट्रेलिया, तो एकदम बीचों बीच जो ये सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच का ये जो आपको ये इतना सा हिस्सा दिख रहा है, ये कतर है। आगे बढ़ती हूँ, थोड़ा और जूम कर देती हूँ, ये देखिए, ये हमने जूम कर दिया है, ये भारत, इससे आप इस तरफ आ जाइए, ये आपका कतर, ये छोटा सा जो इतना सा आपको हिस्सा दिख रहा है आइलैंड की तरह, ये कतर है, इसके पास में सऊदी अरेबिया है, और अगर इससे हम थोड़ा उधर चले जाएंगे तो वो रहा इजराइल, जहां पर अभी इजराइल और हमास की जंग चल रही है। अब आप और जूम करके देखेंगे तो ये देखिए, ये सऊदी अरब है पूरा, ये कतर है, ये छोटी सी कंट्री, और पूरे देश में पावरफुल बनी हुई है, ये इतनी छोटी सी कंट्री है कतर, यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे सऊदी अरब है, और यहाँ पर भारत है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी। अब सबसे पहला है कि आखिर भारत के जवानों को कतर में फांसी क्यों दी जा रही है? तो देखिए, पूर्व सैनिक हैं जो ये दोहा की एक कंपनी में काम कर रहे थे, और अगस्त 2022 में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार कैसे किया जाता है? रातों रात कतर ने उठा लिया था, जो कतर की इंटेलिजेंस फोर्स है, उन्होंने ये आठ पूर्व सैनिकों को रातों रात उनके घर से उठा लिया अगस्त 2022 में। और ये कहाँ काम कर रहे थे? ये एक दोहा की कंपनी में काम कर रहे थे, और ये जब ये उठा लिया रातों रात कतर से, तो एक महीने तक राज रखा गया भारतीयों से, भारत के ऑफिशियल्स को एक महीने तक बताया ही नहीं गया कि भाई आपके जवान जो हमारे इधर काम कर रहे हैं उनको हमने रातों रात किसी आरोप में उठा लिया है। अब आरोप क्या था कि सबमरीन की जासूसी इजराइल के लिए। अभी भी मैं आपको बता दूं कि ये चार्जेस और डिटेल्स अभी भी कतर ने बताए नहीं है, अभी तक ये पब्लिक डोमेन में है नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इनको इसलिए गिरफ्तार किया गया
क्योंकि ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। ये सारे सैनिक जो थे वो पूर्व सैनिक, ये इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। एक सबमरीन प्रोजेक्ट बन रहा था कतर में इस कंपनी के अंडर, और ये सारे के सारे भारतीय सैनिक उसको इसराइल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे थे। लेकिन इसके अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, असली चार्जेस और डिटेल्स अभी तक किसी के पास नहीं। कंपनी का जो मालिक था, जिस कंपनी में ये सैनिक काम कर रहे थे, उसका जो मालिक था खामिस अल अजमी, उसको तो छोड़ दिया, उसको भी इन्हीं के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसको तो जेल से रिहाई दे दी। लेकिन इन 8 अफसरों को अब फांसी की सजा सुना दी गई है। 15 महीनों तक इनको जेल में रखा। अच्छा, अब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो काम कर रहे थे, जो इस कंपनी में काम कर रहे थे, वो सारे घर लौट चुके हैं सिर्फ इन 8 को छोड़कर। और उस कंपनी का नाम क्या था? दहरा ग्लोबल। अभी दहरा ग्लोबल पे जैसे ही ऐसे आरोप लगे और जैसे ये गिरफ्तारियां हुई, तो इन्होंने ये कंपनी बंद कर दी, और जितने भी इसमें काम कर रहे थे उसमें कहीं भारतीय भी थे, वो सब घर लौट आए। लेकिन इन 8 अफसरों को 15 महीनों तक जेल में रखा गया। अल दहरा कंपनी डिफेंस का काम करती है। अब जो ये कंपनी थी वो डिफेंस के मामले में काम करती थी, और इनका जो जो मुखिया था वो स्क्वाड्रन लीडर है, जो कि है खामिस अल अजमी, और ये अभी जमानत पर चल रहा है, इसको छोड़ दिया गया। 8 अफसरों ने 20 साल भारतीय सेना संभाली, और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे कोई 8 अफसर नहीं है, इन्होंने 20 साल तक भारतीय सेना संभाली है और बड़े बड़े पोजिशंस पर काम किया है। उसमें से एक अफसर है पूर्णेंदु तिवारी, जिसको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया कतर में। ये सम्मान इसलिए दिया जाता है कि आप बाहर जाकर अपने देश की इमेज को चमकाते हो, तो उनको ये सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया। अब आप ये देख लीजिए, आखिर ये 8 अफसर कौन हैं जिनको कतर में फांसी की सजा सुनाई गई है। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वरिष्ठ, नाविक रागेश गोप कुमार। अब इन सब की फैमिलीज ये दुहाई कर रही हैं, ये दुआ कर रही हैं कि ये वहाँ से छूट जाएं, और पीएम मोदी से दरख्वास्त कर रही हैं कि आप कैसे भी करके उनको वहाँ से बचा लीजिए। अब दूसरा है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर विपक्ष इस पूरे मामले पर क्यों हमलावर है। तो सबसे पहले तो आप कांग्रेस के मनीष तिवारी और AIMIM के ओवैसी की ये बात सुनिए। ओवैसी लिख रहे हैं दैट इन अगस्त आई हैड रेज्ड द इशू ऑफ आवर एक्स नेवल ऑफिसर्स स्टक इन कतर। Today they have been sentenced to death. Narendra Modi has boasted about how much Islamic countries love him. He must bring our ex-naval officers back. It's very unfortunate that they face the death row. Sir, Kulbhushan Jadhav कहाँ है? पाकिस्तान में बैठा है, आप क्यों नहीं लेके आते? आप विश्वगुरु कहते हैं, कुलभूषण जाधव को भूल गए आप? खतर में 8 नेवी ऑफिसर एक साल से जेल में है, आप नहीं ला सके उनको? Cavalier manner in which the NDA BJP government, Minister Jaishankar and his ministry have dealt with this issue. And therefore, under those circumstances, if this, anything happens to these 8 people, their blood would be on the hands of the NDA BJP government. And therefore, I would like to demand that the Prime Minister of India must take it up with the highest levels of the Qatar government, get the sentence commuted and get these naval officers repatriated. What kind of G20 presidency was this, that at the end of it you have 8 Indian very senior decorated Navy personnel sentenced to death on charges which nobody is aware of? अब देखिए, मन में सवाल आता है कि अब पूरी स्थिति में भारत अब क्या कर सकता है। तो देखिए, जानकारों का कहना है कि सबसे पहले तो भारत कतर की अथॉरिटीज को ये अपील कर सकता है कि आपने जो ये फांसी देने का डिसीजन लिया है इन अफसरों को, वो आप रिकंसिडर कीजिए, या फिर अगर वो आपके कैदी हैं तो उनको भारत की जेल में शिफ्ट कर दीजिए, जिसको एक्सट्राडिशन कहा जाता है। या फिर, और ये भी आरोप लग रहे हैं कतर पर, कि ऐसे गुपचुप तरीके से ये पूरी कार्रवाई की गई है। ये जो आरोप लगाए गए हैं वो भी कतर की इंटेलिजेंस ने ही लगाए हैं, और जिस तरीके से उनको उठाया, जिस तरीके से भारत को बताया नहीं, जिस तरीके से अभी तक चार्जेस, अभी तक डिटेल्स नहीं आई हैं, तो इसमें पता नहीं कतर क्या करना चाह रहा है। तो अब जो ये जो कोर्ट ने ये फैसला दिया है फांसी का, उसको जो भारत है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका चैलेंज दे सकता है, इसको इंटरनेशनली इस मुद्दे को उठा सकता है।
अरब और यूएई की मध्यस्थता, और भारत जो है अपने रिश्ते जो उसके साथ अरब के साथ अच्छे रिश्ते हैं, यूएई के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो उनको बोलकर इस पूरे मामले में मध्यस्थता करवा सकता है। कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और कुछ तो बड़े पदों पर भी हैं, तो भारत यहां से भी उनको ये अपील कर सकता है कि आप प्रेशर बनाओ कतर गवर्नमेंट पे और जो ये अफसर वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाए और उनको फांसी की सजा नहीं दी जाए। और क्या कर सकता है भारत? भारत कारोबारी रिश्ते का हवाला दे सकता है, क्योंकि भारत और कतर के बीच तकरीबन 15 अरब डॉलर का ट्रेड होता है, तो ये जो उसके डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उसको अब वो ताक पे भी रख सकता है और इसका हवाला देके कतर पे प्रेशर बना सकता है। सरकारी मीडिया चैनल अल जजीरा पर कार्रवाई। देखिए, जो अल जजीरा आपने सुना होगा ये कतर का ही सरकारी मीडिया चैनल है, और मैं आपको बता दूं कि इसराइल ने तो इसको बैन भी कर दिया है, तो अगर भारत चाहे तो इसराइल की तरह ऐसी कोई कार्रवाई कर सकता है और कनाडा जैसा बर्ताव भी कर सकता है। आपको पता है भारत और कनाडा के बीच में क्या हुआ है, यहाँ से राजदूत को हटा दिया गया कनाडा के, वहाँ पे एक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान दे दिया था, उसके बाद भारत और कनाडा के बीच में बहुत ही सारे जो है डिप्लोमेटिक एक्शंस देखने को मिले, तो जैसा कनाडा और भारत के बीच में हुआ वैसा अब भारत और कतर के बीच में भी हो सकता है। अब अगला है कि आखिर हमास का साथी क्यों है कतर। अब देखिए, कतर को ना आतंकवादी समूह का बाप कहा जाता है, क्योंकि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं दुनिया में, जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं, उसकी सारी फंडिंग ये कतर करता है, यानी उनको धन मुहैया करवाता है। और कौन कौन से बड़े संगठन? हमास, जो अभी इसराइल हमास वॉर चल रहा है, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, हिजबुल्ला, मुस्लिम ब्रदरहुड, अल नुसरा फ्रंट, इन सब की फंडिंग करने वाला कतर है। इसराइल और कतर कट्टर दुश्मन है, और अब आपको इससे ये भी जान लेना चाहिए कि इसराइल और कतर एकदम पक्के वाले दुश्मन है, और इसीलिए वो हमास को फंडिंग करता है। कतर और सऊदी अरब भी दुश्मन है। देखिए, वैसे तो सऊदी अरब के पास ही है कतर, मैंने आपको मैप पे दिखाया था, लेकिन सऊदी अरब और कतर की आज तक आपस में बनी ही नहीं। हर मुद्दे पर ये लेफ्ट होता है तो ये राइट होता है, हमेशा से ये चलता आया है, लेकिन बीच में ऐसा क्या हुआ कि वो ट्रेड में कुछ गड़बड़ी आ रही थी, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे देखें, तो फिर बाइडेन यानी यूएस के प्रेसिडेंट ने इसमें मीडिएशन किया और कतर और सऊदी अरब की डिप्लोमेटिक दोस्ती कराई, ताकि ग्लोबल लेवल पर यूएस को कोई नुकसान ना हो। अब अगला मन में सवाल आता है, जब सारे आतंकवादी संगठनों का फंडिंग कतर करता है तो ये पूरी दुनिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? हर किसी के लिए, हर बड़े देश के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि अच्छे रिलेशंस बनाए जाएं कतर से? तो अब मैं आपको थोड़े से इसके पॉइंटर्स बता देती हूँ कि देखिए, कतर आकार में बहुत छोटा देश है, मैंने आपको बताया था सऊदी अरेबिया इतना बड़ा और एक टापू जितना छोटा सा देश है, लेकिन सबसे अमीर देश माना जाता है इस वक्त पे, और इसकी दोहा राजधानी है। विदेशी मुद्रा भंडार 64.56 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार उसके पास है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कतार दुनिया में सबसे अमीरों की लिस्ट में आता है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है जो उसकी जमीन में है। कतर में अमेरिका का मिलिट्री बेस, और क्योंकि कतर और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं तो अमेरिका ने अपना एक मिलिट्री बेस भी वहां बना रखा है, और उस बेस से ही वो इधर उधर ऑपरेशंस कर पाता है, चाहे वो रूस में हो चाहे वो ईरान में हो, क्योंकि अमेरिका तो उस तरफ पड़ता है और कतर इधर बीच में, मैंने आपको मैप में बताया था, तो उसका ये जो मिलिट्री बेस है उससे यूएस को बहुत फायदा मिलता है इसकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन के हिसाब से। रूस के यूरोप को गैस देने वाला कतर, अब देखिए इसमें रूस के बाद, दरअसल हुआ ये जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तो रूस के पास भी अच्छा खासा गैस का भंडार है, तो जो यूरोप है पहले रूस से सारा गैस लेता था, लेकिन जैसे ही रूस के सारे रास्ते बंद हुए तो यूरोप ने अपना जो है दुकानदार बदल लिया और वो पहुंच गया कतर के पास, तो अब यूरोप का जितना भी गैस है वो सब अब कतर से आता है, तो कतर की अब इकोनॉमिक कंडीशंस और ज्यादा बढ़ गई है। भारत का 90% गैस कतर से आता है, ये देखिए आप, इसलिए ही भारत चाहता है कि कतर से उसके अच्छे डिप्लोमेटिक रिश्ते बने, क्योंकि हमारी 90% गैस कतर से आती है। भारत कतर के बीच डिफेंस डील
और भारत और कतर के बीच में डिफेंस डील भी है और इससे कतर को भी फायदा है क्योंकि कतर कहीं ना कहीं मिलिट्री उससे इक्विपमेंट्स में अपने आप को बड़ा करना चाहता है। अब देखिए वो एकदम बार्टर सिस्टम है कि कतर हमको गैस देता है तो अगर हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हैं तो कई बार ऐसा हुआ है कि मिलिट्री ऑपरेशंस भारत की तरफ से वहां पर कराए गए हैं तो इन दोनों की एक तरीके से डिफेंस डील है। मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे कतर जाने वाले तो मोदी ने भी यही कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने कि कतर से जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो और बेहतर किए जाए और उन्होंने किया भी है ये। अब आप जान लीजिए कि आखिर कतर का इतिहास क्या है। देखिए मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्यों बड़े देशों के लिए कतर इम्पोर्टेंट है, अब आप इसका थोड़ा इतिहास भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो नागरिक हैं, जो कतर के नागरिक हैं वो तो 3 लाख हैं लेकिन जो बाहर से आए हुए हैं जो माइग्रेंट्स हैं वो 25 लाख है, ये डिफरेंस देख रहे हैं आप। और कतर को सबसे अमीर देश कहा जाता है इस वक्त पे, देशों में शेयर भी है, यहाँ तक कि जो दूसरे बड़े बड़े देश हैं और वहाँ पे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके कुछ शेयर कतर के पास है। और कतर एयरवेज तो आपको पता ही है सबसे बड़ी एयरवेज है वो, अल जजीरा एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है जो कि कतर की है। फीफा वर्ल्ड कप कराने वाला कतर पहला अरब देश बना था, पहले ये पूरा खाली था, देखिए क्योंकि इतना सा टापू तो है तो यहाँ पे कोई ज्यादा रहता नहीं था फिर, और एकदम वो पूरा ना रेगिस्तान के टाइप था। फिर 1990 के बाद यहाँ पर बदलाव आया, 1939 में पहली बार कतर में तेल मिला, फिर 1971 में गैस मिली यानी नेचुरल गैस जिसको अब कतर LNG के तौर पर बेचता है और इस वक्त वो LNG का राजा बन चुका है क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार कतर के पास पाया गया। फिर इसके सबसे पहले इसको अमीर बनाने वाले ही हम टाइमलाइन से चल रहे हैं, जैसे ही पता चला कि यहाँ पर सबसे बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है तो जापान ताइवान कोरिया से डिमांड आने लगी कि भाई अब आप हमें नेचुरल गैस भिजवाइए। और ये क्यों, ये 1986 में हुआ जब ये तीनों ने जापान ताइवान जो इस तरफ मैंने आपको मैप में दिखाए थे, जापान ताइवान कोरिया से डिमांड आने लगी 1986 में, क्योंकि फर्क क्या है, देखिए तेल जो है ज्यादा प्रदूषण करता है और जो नेचुरल गैस होती है वो प्रदूषण कम करती है। फिर अमेरिका ने भी कतर में एयरबेस बना लिया क्योंकि एक वो मिड पॉइंट है और उसके लिए अमेरिका के लिए इजी हो जाता तो अमेरिका ने भी अपने अच्छे रिश्ते कर लिए कतर से। मजदूरों के साथ अत्याचार और ये भी कहा जाता है क्योंकि आप ये डिफरेंस देख रहे हैं 25 लाख तो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो यही झांसा दिया जाता है कि आपको जो है अच्छा पे स्केल मिलेगा, बढ़िया पैसा मिलेगा, आप हमारे पास आइए और ना हम आपको काम देंगे, लेकिन फिर उन लोगों को वहाँ पर मजदूर बनाया जाता है। और एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं ये सबसे ज़्यादा इसका शिकार होते हैं, मजदूरों के साथ वहाँ पर अत्याचार होता है। और एक रिपोर्ट कहती है कि जब वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कराया गया था उस दौरान 6,500 मजदूर मर गए थे। रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा कतर को हुआ, कैसे फायदा हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो है यूरोप जो है वो रूस से नेचुरल गैस लेता था लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो रूस से सबने गैस लेनी बंद कर दी और जो नया किंग आया मार्केट में वो कतर था। तो अब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यूरोप अपना पूरी नेचुरल गैस अब कतर से लेता है। अरब ने कतर को बैन किया और मैं आपको ये भी पहले बता चुकी हूँ कि अरब सऊदी अरब और कतर एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, हमेशा ऑपोजिट रहते हैं एक दूसरे के, तो उसने अरब ने कतर के सारे रास्ते बंद कर दिए थे क्योंकि वो टापू सा तो है और उसकी बॉर्डर सऊदी अरेबिया से लगती है तो उसने सारे बॉर्डर सील कर दिए जिससे कतर को परेशानी आने लगी। लेकिन फिर US पिक्चर में आया, उसने मध्यस्थता कराई और इन दोनों की डिप्लोमेटिक दोस्ती कराई और उसने ये पूरा मामला सुलझा दिया। और पांचवा है कि आखिर कैसे कतर के कारण बर्बाद हुई नुपुर शर्मा। देखिए नुपुर शर्मा तो आपको याद होंगी, एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था भारत में क्योंकि नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी की प्रवक्ता थी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी और उसके बाद कतर वो पहला देश था जिसने इस पर आपत्ति जताई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था वो आप इस कहानी से समझे। नुपुर शर्मा की गिनती बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर होती थी, वे टीवी डिबेट में अक्सर दिखती थी लेकिन पिछले साल जून में उन्होंने पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो दुनिया भर से आपत्तियां जताई जाने लगी। आपको बता दूं कि नुपुर की टिप्पणी के विरोध में भारतीय मुसलमानों ने ही नहीं बल्कि 12 से ज्यादा देशों ने आपत्ति जताई थी। बाद में नुपुर शर्मा को भाजपा ने निलंबित कर दिया था, भाजपा को बयान भी जारी करना पड़ा था कि उसकी विचारधारा सभी धर्मों का आदर करती है और किसी महापुरुष के अपमान की निंदा करती है। कतर ने
भारतीय राजदूत को तलब कर आपत्ति भी जताई थी। दरअसल सऊदी अरब और यूएई से भारत के अच्छे संबंध हैं, लेकिन कतर से उतने अच्छे नहीं हैं। कतर ने नुपुर मामले पर सबसे पहले आपत्ति जताई थी और भारत सरकार से ही माफी की मांग करने लगा था। कतर चाहता है कि इस्लामिक सहयोग संगठन में उसकी केंद्रीय भूमिका बने। तेल और गैस का उसको अच्छा फायदा मिल रहा है, इसलिए वो चाहता है कि इस्लामिक जगत का आका बन जाए। और अभी मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक दुनिया का राजा सऊदी अरब है और इसी के कारण कतर सऊदी अरब से चिढ़ता है। आई होप आपको आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि कतर वाला मसला आखिर क्या है, क्यों भारतीयों को फांसी देने वाला ये देश कतर इतना ताकतवर है और अब सबकी निगाहें पीएम मोदी पर हैं कि अब वो इस मामले में क्या करेंगे, क्या ये जो 8 अफसर हैं पूर्व नौसैनिक है वो वापस भारत आ पाएंगे या फिर उनको कतर में फांसी दे दी जाएगी। अब ये जो भी होगा वो तो वक्त बताएगा। आप न्यूज 24 देखते रहिए, मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।